हिमाचल में इस समय कर्ज पर सियासत लगातार जारी है। सियासी कोहराम मचा है। कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर पर बीजेपी नेता रणधीर शर्मा ने अब पलटवार किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि झूठ बोलने में कांग्रेस नेताओं को मेडल मिल सकते हैं। कर्ज को लेकर रामलाल ठाकुर ने झूठे आंकड़े पेश किए हैं, ये रणधीर शर्मा की ओर से अब कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अब तक 15,805 करोड़ रुपए तक का कर्ज लिया, पूर्व वीरभद्र सरकार से कम ये कर्ज अब तक लिया गया है। तो अभी हिमाचल में इस समय कर्ज पर सियासत गरमाई हुई है। चुनाव हिमाचल प्रदेश में अब से कुछ ही महीने बाद शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले कर्ज एक बड़ा सियासी मुद्दा जो हिमाचल में बनता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस बीजेपी पर लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर निशाना साध रही है और कहा जा रहा है कि प्रदेश को कर्ज में झोंक दिया है मौजूदा सरकार ने। तो अब बीजेपी की ओर से भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा गया है कि दरअसल पूर्व वीरभद्र सरकार से कम कर्ज है जो मौजूदा सरकार ने लिया है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि दरअसल झूठे आंकड़े हैं जो रामलाल ठाकुर की ओर से पेश किए गए हैं। झूठ बोलने में कांग्रेस नेताओं को मेडल मिल सकते हैं, ये भी रणधीर शर्मा की ओर से आज पलटवार करते हुए कहा गया। हमारी सरकार ने अभी तक 15,815 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है, और अगर उनके बताए हुए 1500 करोड़ को भी जोड़ दें तो ये आंकड़ा 17,315 करोड़ तक पहुंचता है, जबकि पिछली वीरभद्र सरकार ने, पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 19,199 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। इस तरह तुलना की जाए तो हमारी इस जयराम ठाकुर सरकार ने पिछली वीरभद्र सरकार की तुलना में कम से कम जो है वो 1,500 करोड़ रुपए कर्जा कम लिया है। पूर्व मंत्री विधायक श्री रामलाल ठाकुर ने तो झूठ बोलने में सबको पीछे छोड़ दिया है। पिछले कल जिस तरह से उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठे आंकड़े देकर, झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, मैं समझता हूं अगर कोई झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो जाए तो निश्चित रूप से वो गोल्ड मेडल ले जाएंगे। तो आपने सुना बीजेपी की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई रणधीर शर्मा की ओर से क्या कहा गया है। रामलाल ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि झूठे आंकड़े हैं जो पेश किए जा रहे हैं।